तो गाइज कैसे आप सब लोग, स्वागत है आपका गेमिंग चैनल में फिर से। तो गाइज भाई आज मैं जो है सुबह सुबह जो है बाहर घूमने के लिए गया था भाई, बट भाई मुझे बेनी का कॉल आया था कि भाई हमें एक खबर मिली है कि भाई आज जो है हमारे एयरपोर्ट पे, हाँ जी हाँ, लॉस सैंटोस के एयरपोर्ट पे। यार सबसे पहले मैं आपको ये गाड़ियाँ दिखा देता हूँ यार, हमारी गोल्डन फॉर्च्यूनर स्कॉर्पियो भाई दोनों यहाँ पे खड़ी है। कैसे लग रही है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना गाइज, दोनों बहुत प्यारी लग रही है। तो चलो यार मैं ये बहुत बोल रहा था कि यार हमारे लॉस सैंटोस के एयरपोर्ट पे जो है आज एक भाई स्कॉर्पियो की भाई गाड़ी आने वाली है, जो कि है भाई स्कॉर्पियो का पिकअप। भाई स्कॉर्पियो का पिकअप भाई लॉस सैंटोस में पहली बार मैं सुन रहा हूँ यार। तो मैं सोचा भाई चलो देखने के लिए चलते हैं भाई। तो मैं चलो अभी सिंचान को लेके चलते हैं यार, वरना सिंचान बाद में बुरा मान जाएगा यार। यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख सकते हो गाइस, सिंचान अपना एक्सरसाइज करने में लगा हुआ है। भाई सिंचान तेरे को क्या हो गया आज इतना एक्सरसाइज यूज कर रहा है? वैसे तो भाई सुबह उठता भी नहीं तो जल्दी, और आज उठ के भाई एक्सरसाइज करने में लगा हुआ है। अरे फ्रैंकलिन भाई मेरे को थोड़ा बड़ा बनना है यार, इसलिए कर रहा हूँ मैं एक्सरसाइज। अरे यार चलो ठीक है, चलो जल्दी से यार मेरे को तुमको एक चीज़ बताना है कि भाई हमारे लॉस सैंटोस में जो है एक स्कॉर्पियो का पिकअप आ रहा है भाई, तो हमें जो है चलो यार जल्दी से जाना है उसको देखने भाई। और सिंचन हम उस पिकअप को जो है चुराने वाले हैं। क्या बात करिए फ्रैंकलिन भाई, स्कॉर्पियो का पिकअप? अरे हाँ यार स्कॉर्पियो का पिकअप ये बात मुझे बेनी ने बताई है। तो चलो बेनी के पास जाके देखते हैं यार, उसके पास हमारी थार भी पड़ी है जो हमने उसको रिपेयर करने के लिए दी थी। सबसे पहले उसको भी देखते हैं और बाद में बेनी से उसका लोकेशन लेके भाई जाते हैं, फिर हमारा पिकअप देखते हैं यार। चलो ओके। तो गाइज हम जो है अभी निकल चुके हैं भाई स्कॉर्पियो का पिकअप देखने के लिए। भाई मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ यार, सिंचन तेरे को क्या लग रहा है भाई? अरे फ्रैंकलिन भाई स्कॉर्पियो को पिकअप मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ यार, मेरे को देखने का मन कर रहा है यार, चलो जल्दी से मेरे को देखना है वो। और फ्रैंकलिन भाई हम उसको चुराने वाले हैं क्या? अरे हाँ यार गाइस, यहाँ पे बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हो गया यार। अरे फ्रैंकलिन भाई यार मरवाओगे क्या? अरे सॉरी यार सिंचन, मैंने देखा नहीं उस कार को यार जाते हुए। ठीक है यार चलो बैठ जाओ अभी। ओके यार बैठ गया अभी। तुम्हें चोट तो नहीं आया ना सिंचन? नहीं अभी तो नहीं, ज़्यादा नहीं। ठीक है यार चलो। ओके यार सिंचन सॉरी यार, माफ़ करना। ठीक है जो गाइस हम जो है अभी निकल चुके हैं यार बेनी के पास। जल्दी से जो है मैं अपनी ZX Trainer को यार यहाँ से भगाता हूँ, और भाई अभी भगाने के चक्कर में भाई बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हुआ है, तो भाई हमें सावधानी से जो है चलना होगा भाई। थोड़ी सी धीरे ही चलूँगा मैं। फ्रैंकलिन भाई थोड़ी सी धीरे ही चलाना यार, मेरे को डर लग रहा है अभी फिर से गिराने दो। अरे नहीं यार सिंचन फिर से नहीं गिराऊंगा। ओके तो गाइस हम जो है अभी जा रहे हैं भाई बेनी के पास, बाकी बेनी से हम उसका लोकेशन ले लेंगे कि भाई वो स्कॉर्पियो का पिकअप मतलब एयरपोर्ट पे तो आने वाला है पता है, बट भाई कौन से एरिया में एयरपोर्ट? भाई एयरपोर्ट लॉस सैंटोस का बहुत ही बड़ा है, तो भाई उसको ढूंढने में हमारा टाइम चला जाएगा, तो इसलिए भाई बेनी से उसका लोकेशन वगैरह लेते हैं। बाकी हमारी थार को भी हमें देखना है भाई, हमने जो है उसको बेनी को जो है रिपेयर करने के लिए दिया था, और भाई बेनी के गैराज पे यहाँ पे आ चुके हैं। और भाई यहाँ पे जो है बेनी भाई के गाइस मुझे यहाँ पे थार दिख रही है। अरे बेनी भाई हमारी थार रिपेयर हो गई क्या? अरे हाँ भाई आपकी थार तो रिपेयर हो गई। अरे यार ये कौन सी थार है यार? अरे ये तो दूसरी थार है। अच्छा गाइज हमारी थार जो है यहाँ पे है, और भाई इसका रूप बेनी ने निकाल दिया। ठीक है बाकी अच्छी लग रही है यार बिना रूप की भी, बट यार ब्लैक कलर जो है मुझे लग रहा है कि हम उसको अलग कलर में पेंट करवा दें। ओ ठीक है यार बेनी तुम जो है इसको जो है अलग कलर में पेंट करवा देना यार। ओके फ्रैंकलिन भाई। तो यार सिंचन चलो हमें जल्दी से जाना है यार बेनी, बाकी बेनी यार मुझे वो एड्रेस भेज देना यार, हम जो है निकल रहे हैं एयरपोर्ट के लिए। तो भाई ये जो है गाड़ी लेके जाने वाले हम, क्योंकि हमारी गाड़ी नहीं आप ले जा सकते हम, क्योंकि भाई हमारी जो है गाड़ी हम वहाँ पे नहीं रख सकते, इसलिए भाई हम जो है चुराने वाले हैं स्कॉर्पियो का पिकअप। तो भाई हम जो है अपनी गाड़ी नहीं लेके जाएंगे, हम जो है इस गाड़ी को वहाँ पे रख सकते, तो इसलिए जो है हम ये वाला गाड़ी लेके जाएंगे। ओके तो सिंचन यार चलो जल्दी से बैठ जाओ। अरे यहाँ फ्रैंकलिन भाई आ रहा हूँ यार रुको। ओके गाइस तो गाइस फाइनली जो है हम बेनी के गैराज से भाई निकल चुके हैं। अभी भाई बेनी ने हमें जो है एड्रेस दे दिया है, बाकी हमें जो है पता है भाई कहाँ पे जाना है अभी। और भाई स्कॉर्पियो का पिकअप भाई मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ भाई, हम जो है अब मुझे पता है जहाँ तक पता है भाई लॉस सैंटोस में एक भी ऐसा गाड़ी नहीं है जिसको भाई स्कॉर्पियो का पिकअप बोलते हैं भाई, है ना सिंचन? अरे यार फ्रैंकलिन भाई मेरे को नहीं पता यार कैसा दिखता है वो, मेरे को जल्दी से देखना है उसको। अच्छा तो गाइस मैं जल्दी से अपने, अरे यार अभी एक्सीडेंट होते होते बच गया। अरे फ्रैंकलिन भाई यार धीरे से चलाना यार, मुझे फिर से डर लग रहा है। अरे यार सिंचन पता नहीं आज मेरे को क्या हो गया, बट तू टेंशन मत ले यार मैं अच्छे से गाड़ी चलाऊंगा अभी। तो यार गाइस चलो यार यहाँ से एयरपोर्ट अभी ज़्यादा दूर नहीं है, तो इस वाले हाईवे से हम जो है सीधा एयरपोर्ट के पास जो है पहुँच जाएंगे। बस हमें जो है यहाँ पे थोड़ा सा गाड़ी भगाना पड़ेगा। और गाइस हम अभी एयरपोर्ट के पास आ चुके हैं। ठीक है गाइस तो हमें जो है ठीक है एंट्री गेट से हम जाएंगे, क्योंकि
ठीक है, एंट्री गेट से हम चले जाएंगे, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और भाई हमें बस किसी को दिखना नहीं यार, बाकी हमें बस वापस आते टाइम इस गेट से नहीं आना है, क्योंकि यहाँ पे भाई बहुत ज़्यादा भीड़ वगैरह रहती है तो कोई हमें देख सकता है। इसलिए बस जो है हम जब हमारा स्कॉर्पियो वाला पिकअप, हमारा तो अभी नहीं है बट हो जाएगा यार, हम जब उसे चुराएंगे तो उसको यार यहाँ पे तो यार यहाँ पे नहीं है यार, यहाँ पे मेरे को बेनी ने बोला था कि यार ये वाला हैंगर के पास जो है किसी वाले हैंगर, ये कौन सा हैंगर बोला था यार बेनी ने, यार उसको पूछना पड़ेगा यार फिर से। किसी तो हैंगर के पास जो है बोला कि वो प्लेन खड़ा है, अरे यार यहाँ पे मुझे दिख रहा है एक हैंगर के पास जो है प्लेन बड़ा सा खड़ा हुआ है, तो वहाँ पे जो है वो स्कॉर्पियो हो सकती है जिसको जो है पिकअप बोलते हैं भाई, स्कॉर्पियो पिकअप। तो भाई यहाँ पे बट यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा यार, यहाँ पे कुछ भी नहीं है यार, शेड मेरे को यार गलत लोकेशन तो नहीं दे दिया यार बेनी ने। अरे फ्रैंकलिन भाई जल्दी से पूछ लो यार बेनी से। अरे यार मैं पूछ लूंगा बट यार मुझे आगे प्लेन दिख रहा है यार, तो यहाँ पे जो है जाके देखते यार, वहाँ पे नहीं होगा तो फिर बेनी से पूछ लेंगे कॉल करके। बाकी यहाँ पे बहुत सारे मुर्ख लोग, अरे सिंचान यार मेरे को जो है स्कॉर्पियो का पिकअप दिख गया भाई, तुमको दिख गया क्या? अरे यार फ्रैंकलिन भाई मेरे को दिख गया यार, कितना सुंदर है वो, चलो यार जल्दी से फ्रैंकलिन भाई। अरे यार सिंचान तुम थोड़ी देर यार वेट करो यार, ऐसे उसको चुरा नहीं सकते, वहाँ पे बहुत सारा सिक्योरिटी गार्ड खड़ा है यार, और भाई ऐसे चुराएंगे तो भाई हमें डंडे पड़े, और भाई एयरपोर्ट की पुलिस भी यहाँ पे कभी भी आ सकती है, तो भाई हमें चुपके से उसको जाके चुराना पड़ेगा। बाकी तुम यही गाड़ी में ही रहना, मैं जो है अभी जाके देख के आता हूँ और उसको चुराया जा सकता है भी या नहीं। ओके फ्रैंकलिन भाई। कि तो गाइस मैं जो है यहाँ पे धीरे धीरे कर देखना पड़ेगा यार, बाकी मेरे को लगता है यार इसको चुराना थोड़ा मुश्किल है, बाकी बहुत सारे गार्ड्स भी यहाँ पे खड़े हैं यार, तो उनको अगर पता चल गया भाई हम स्कॉर्पियो पिकअप जो है चुराने वाले हैं तो भाई वो तो हमें छोड़ेंगे नहीं, तो चलो यार उनके बात करके देखते हैं, क्योंकि उनको क्या पता है कि हम चुराने वाले हैं, हम तो ऐसे घूम रहे हैं यहाँ पे। चलो उससे बात करके देखते, ठीक है। अरे यार अंकल कैसे हो यार, यहाँ पे क्या कर रहे हो तुम? अरे यार तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे दिखना मत तुम, अभी चलो जाओ यहाँ से। अरे यार ऐसे क्या हुआ, मैं तो जस्ट घूम रहा था। अरे यार ये तो बहुत ही सख्त बंदा यार, इनको अभी दिखाता हूँ यार, चलो ये लो भाई, ये तो गया। अरे भाई ये तो भाई ये भी गया, चलो। अरे भाई यार, अरे यार ये तो जिंदा हो रहा है फिर से। अरे सिंचन यार ये तो फिर से जिंदा हो रहा है यार, ये तो मर ही नहीं रहा साला। अरे फ्रैंकलिन भाई दो चार गोली डाल दो। अरे यार कितना मारूं मैं इनको अभी। ओके गाइस हमने जो है सारे गार्ड्स को जो है खत्म कर दिया भाई, तो जल्दी से भाई देख सकते हो गाइस कितना प्यारा स्कॉर्पियो पिकअप है यार, 4x4 वाला। चलो यार जल्दी से इसको लेके चलते हैं यहाँ से, वरना जल्दी से भाई कोई ना कोई आ जाएगा यहाँ पे तो हम फंस जाएंगे फिर बाद में। अरे यार सिंचन क्या कर रहे हो, चलो जल्दी से यार बाहर आ जाओ। यार सिंचन जल्दी से बैठ जाओ पिकअप में हमारे। अरे यार फ्रैंकलिन भाई रुको रुको। अरे यार बैठ जाओ यार जल्दी, कोई आ जाएगा तो हमें जो है लेके देने पड़ जाएंगे फिर। ओके गाइस तो यहाँ पे जो है हमने ये स्कॉर्पियो का पिकअप चुरा लिया है भाई, भाई कितना सुंदर है देख सकते हो गाइस। यार फ्रैंकलिन भाई ये तो मेरे को चलाने दो ना यही। अरे यार सिंचन दूंगा यार तुमको चलाने, बट अभी नहीं दे सकता यार, अभी जो है हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा, अगर पुलिस वगैरह हमारे पीछे पड़ गई ना भाई हम उससे बच नहीं सकते, क्योंकि भाई ये पिकअप ज्यादा स्पीड से भागेगा नहीं, तो भाई इसको जो है जल्दी से हमें किसी सेफ जगह पे लेके जाना होगा भाई। यहाँ पे जो हम इस रास्ते से अभी जाने वाले, बाकी गेट यहाँ से खुल गया है, बाकी आगे गार्ड हो सकता है, तो जल्दी से हमें यहाँ से निकलना होगा भाई। हम जो है अभी स्पीड में निकल चुके हैं, बाकी हमने जो है मुझे लगता है किसी ने देखा नहीं है, तो भाई हम जो है अभी तो सेफ नहीं है यार, बाकी सेफ जगह हमें जल्दी से जाना होगा भाई। भाई अभी जो है हम इस हाईवे से जो है जल्दी से हमारे गैरेज के रोड पे जो है पहुंच जाएंगे, तो भाई जल्दी से भगाते यार, बाकी ये पिकअप ज़्यादा भागता भी नहीं है, तो भाई इसको जो है फिर भी भगा के हम ले जाएंगे। बाकी बेनी से जो है इसको ट्यूनिंग वगैरह करवा के भाई इसको जो है इसका स्पीड बढ़ा देंगे बाद में, तो भाई इसका व्हील वगैरह भी चेंज करवा देंगे। अरे हाँ फ्रैंकलिन भाई इसमें तगड़ा मॉडिफिकेशन करवाना यार, टर्बो वगैरह भी लगाना। अरे हाँ सिंचन ये तो लगाएंगे हमें, बाकी यार यहाँ से अभी चलते हैं। बाकी यार मुझे ऐसा क्यों लग रहा है यार कि पुलिस का सायरन का आवाज आ रहा है यार तुम्हें सिंचन? अरे फ्रैंकलिन भाई मेरे को तो नहीं सुनाई दे रहा कहाँ भी। अरे यार सिंचन मेरे को पता नहीं क्यों सुनाई दे रहा। अरे भाई साहब यहाँ पे पुलिस मामू खड़ा है यार। अरे गाइस यार देख सकते हो यार पुलिस हमारे पीछे पड़ गया। अरे बाप रे सिंचन यार ऊपर से हेलीकॉप्टर भी आ गया यार पुलिस का। अरे फ्रैंकलिन भाई यार भगाओ यार यहाँ से जल्दी से। अरे सिंचन यार मैं तो भगा रहा हूँ यार, बट ये पुलिस वाले जो है मुझे लगता है हमें पकड़ लेंगे भाई, ये तो हेलीकॉप्टर से पीछा कर रहे यार हमारा आगे, और एक पुलिस की गाड़ी यार शिट। अरे गाइस यार हम तो बुरा फंस गए भाई, दो चार गाड़ियां हमारा पीछा कर रही है अभी, और ऊपर से एक हेलीकॉप्टर भी जो है हमारे भाई स्कॉर्पियो पे नजर रखा हुआ है, तो भाई हमें जल्दी से जल्दी कहीं ना कहीं। अरे यार और एक गाड़ी आ गया देखो यार सिंचन। अरे यार सिंचन मैं तो अभी डरा हुआ यार, जल्दी से ही जो
है हमारे स्कॉर्पियो पिकअप को यहाँ पे कहीं पे छुपा देते हैं यार ब्रिज के नीचे, तो हेलीकॉप्टर हमें देख नहीं पाएगा और हमारा लोकेशन जो है किसी को पता नहीं चलेगा। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे सेफ जगह है यार, जब तक पुलिस भाई हमारा पीछा नहीं छोड़ती हम यहीं पे रहेंगे। ओके तो गाइस यार फाइनली जो है हमने पुलिस से पीछा छुड़ा लिया है, और भाई पुलिस भाई ज़्यादा देर तक भाई ऐसे चुप नहीं रहेगी भाई, हमें अगर पुलिस ने भाई फिर से देख लिया ना भाई तो हमारा भाई फिर से पीछा करने लग जाएंगे। तो भाई जल्दी से जो है इसीलिए हम जो है यहाँ से निकलने वाले अभी। ओके तो गाइस हमें जो है जल्दी से जल्दी बेनी के पास पहुँचना होगा यार किसी तरीके। भाई हमारे स्कॉर्पियो पिकअप का भाई बहुत ही बुरा हाल हो चुका है भाई पुलिस की वजह से, भाई पुलिस पीछे पड़ी थी इसलिए भाई हमने इसको ऐसे फास्ट चला के भाई ये बहुत जगह है ठुक गया है। तो कोई नहीं यार इसको बेनी से ठीक करवा लेंगे, फिलहाल तो भाई हमें जल्दी से जल्दी है बेनी के गैराज पे पहुंचना है यार। इस पिकअप को फिर से पुलिस ने देख लिया भाई तो भाई फिर से पंगा हो जाएगा भाई और हम पकड़े जा सकते हैं, इसलिए भाई हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। बाकी बेनी का गैराज यहाँ से दूर नहीं है यार, हम बस पहुँचने वाले हैं यहाँ पे, वहाँ जाते ही हम उसको जो है अरे यार फिर से, अरे यार ये पिकअप ठीक से चल नहीं रहा यार सिंचन, अरे फ्रैंकलिन भाई इसका व्हील टेढ़ा हो चुका है यार आपने ठोक दिया इसलिए, अरे यहाँ सिंचन यार कोई नहीं बेनी से ठीक करवा लेंगे। ओके तो गाइस हम जो है यहाँ पे पास आ चुके हैं, देख सकते हैं हमारा स्कॉर्पियो का चक्का भाई पूरा घूम चुका है। बाकी यार बेनी यहाँ पे क्या कर रहा है, इसको किसकी फोटो निकाल रहा है यार, चलो इसको यहाँ पे पार्क करवा देते हैं जल्दी से। और भाई बेनी यार तू क्या कर रहा है यार, अरे फ्रैंकलिन भाई मैं तो बस फोटोशूट कर रहा था, देखो आपकी थार। अरे यार थार और भाई लैम्बोर्गिन किसकी है, ये भाई अपनी है। अरे यार भागती यार हमारी थार बहुत ही गजब लग रही है यार ब्राउन कलर में भाई। गाइस आपको कैसी लग रही है मुझे कमेंट में जरूर बताना, बाकी यार ये लैम्बोर्गिनी भी बहुत ही सही लग रही है। भाई बेनी तुम जो है जल्दी से इस पिकअप को भाई मॉडिफाई करवा दो यार, क्योंकि पुलिस हमारे पीछे पड़ी है और भाई अगर पुलिस ने इसे देख लिया तो भाई तो हम गए तीनों गए यार। अरे हाँ फ्रैंकलिन भाई मैं जल्दी से इसको रिपेयर करवा दूंगा। तो यार बेनी जल्दी से काम पे लग जाओ। बाकी यार गाइस आप लोग देख सकते हो यहाँ पे यार बेनी जो है अभी इस स्कॉर्पियो पिकअप को जो है अभी मॉडिफाई करवा के देगा भाई, तो भाई इसका जो है पूरा नक्शा बदल चुका है सामने से। तो कोई नहीं यार बेनी जो है इसको ठीक करवा देगा। बाकी यार हम जो सोच रहे थे इसको किस कलर में पेंट करवाए तो भाई चलो देखते यार। ओके तो गाइस बेनी ने जो है भाई इसको क्या ही तगड़ा मॉडिफाई किया है गाइस आप लोग देख सकते हो यार। अरे फ्रैंकलिन भाई ये तो बहुत ही तगड़ा लग रहा है यार। अरे आसिनचन ये तो बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है यार, बेनी तुमने क्या ही कमाल किया है इस पर यार, ये क्रोम कलर में बहुत ही चमक रहा है यार, बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। और भाई अब कोई पुलिस वाला मामू इसको पहचान भी नहीं सकता यार, तो भाई हम जो है अभी सेफ है और ये पिकअप जो है अभी हमारा हो चुका है गाइस। अरे फ्रैंकलिन भाई यार ये तो पिकअप बहुत ही सुंदर लग रहा है अभी पहले से भी ज़्यादा। अरे हाँ सिंचन यार बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही यार तगड़ा लग रहा है इस कलर में भाई, इसको बहुत ही सही लग रहा है ये डायमंड वाले कलर में। तो यार सिंचन तुम बैठो यार। बाकी गाइस यार इस पिकअप को आपको कैसा लग रहा है मुझे कमेंट में जरूर बताना गाइस। यार बेनी तुमने बहुत ही सही काम किया यार, बाकी हमारी थार जो है हमारे घर पे पहुंचा देना। ओके बाय। ओके तो गाइस जैसा कि आप लोग देख सकते हो यार ये जो है डायमंड वाले कलर में भाई, क्या बोल सकते हैं यार इस कलर को भाई, सिल्वर वाला कलर या कौन सा क्रोम वाला कलर, यार क्रोम वाला कलर है। तो यार ये बहुत ही सही लग रहा है यार पिकअप यार, इसको जो है ये कलर बहुत ही सूट कर रहा है। और भाई बाद में जो है हम इसको जो तगड़ा सा मॉडिफाई भी करवा देंगे, अभी के लिए भाई ये अच्छा लग रहा है। तो गाइस हम जो है आखिर में हमारे घर पे पहुंच चुके हैं गाइस, तो यहाँ पे हम हमारे स्कॉर्पियो पिकअप को जो है पार्क करवा देते हैं। बाकी ये अभी हमारा हो चुका है और पुलिस इसको ढूंढ भी नहीं सकती, और भाई सिटी में किसी के पास भी ऐसा स्कॉर्पियो पिकअप है भी नहीं। तो भाई आपको जो है ये पिकअप कैसा लगा भाई मुझे कमेंट में जरूर बताना, और गाइस भाई अगर अच्छा लगा तो लाइक करना भाई। अरे यार ये पिकअप बहुत ही जबरदस्त है, कहाँ से खरीदा? अरे चल हट तू यार, तू तेरे को क्या करना है। ओके तो गाइस मैं ये बोल रहा था कि गाइस आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो गाय लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी आपको मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू गाइस।